बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर पेपर 18 जून 2023 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, ये वैक्सीनेटर का पेपर जो 18 जून 2023 को हुआ था, इसे एनटीएस ने, नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। इस पेपर के पहले 4 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 18 जून 2023 वैक्सीनेटर पेपर के तमाम सबका पार्ट्स देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी आज तक वैक्सीनेटर के पेपर्स हो चुके हैं, तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स भी, हलशुदा एमसीक्यूज भी आपको उसी डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को, सवालात को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अली इज डैश गुड बॉय, अली इज अ गुड बॉय, खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा, अली अच्छा लड़का है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ दीज सेंसेस इज लीस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमन, इंसानों में सबसे कम तेजी से जो सेंस डेवलप होती है वो साइट की है, देखने की है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, जो रहम होता है, जिसे इंग्लिश में वॉर्म कहा जाता है, या इसे दूसरे लफ्जों में आप बच्चादानी भी कह सकते हैं, जब बच्चा वहां पर मौजूद होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और इसी वजह से बच्चे में जो साइट की इम्प्रूवमेंट है वो बहुत कम होती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ देखने की और सुनने की सलाहियत जो है वो इंसान में तेजी से डेवलप होती है। उसकी यही वजूहात हैं जो आपको बता दी गई हैं। मजीद आगे जाने से पहले व्यूवर्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। व्यूवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने वैक्सीनेटर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया था। रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं वैक्सीनेटर के, उनकी तैयारी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने हमारे नोट्स मंगवाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60-70% पेपर्स हमारे नोट्स में से, हमारी वेबसाइट से आया है। उन नोट्स में मौजूदा 18 जून 2023 का हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप वैक्सीनेटर पेपर्स की तैयारी के लिए अप टू डेट नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और किसी भी आसामी के नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ ग्लोइंग, ग्लोइंग का आपने उलट बताना है, अपोजिट बताना है। ग्लोइंग का मतलब है चमकने वाला, ऐसी चीज जो फुल पीक पे हो, जो फुल पीक पे हो उसके लिए आप ग्लोइंग का वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका जो उलट है वो है क्रिएटिव, तख्लीकी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर भी आप फ्री का अपोजिट बताएंगे, फ्री का मतलब है आजाद, और इसका उलट जो है वो ऑप्शन सी होगा, स्लेव, स्लेव का मतलब है गुलाम। आजाद और गुलाम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उलट हैं। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ डेंजर, डेंजर का मतलब है खतरा, इसका उलट बनेगा सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब है हिफाजत, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ मैचलेस, मैचलेस का मतलब है बेमिसाल, ऐसी चीज जो शाजो नादर मिले, कभी कभार हो, जिसका कोई सानी ना हो, उसे मैचलेस कहा जाता है। इसका जो उलट होगा वो ऑप्शन डी होगा, कॉमन, कॉमन का मतलब है आम, ऐसी चीज जो आम आसानी से मुयस्सर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स ऑफ डेप्लीट, डेप्लीट का मिलता जुलता वर्ड आपने ढूंढना है, डेप्लीट का मतलब है खत्म करना, इसका जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन बी है, फिनिश, फिनिश का मतलब भी है खत्म करना, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। व्यूवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं या आने वाले किसी भी वैक्सीनेटर की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तमाम के तमाम सवालात को हम साथ के साथ ई टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें, ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट की एक खसूसियत है कि हमारी इस वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। करंट एंड पास पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा आपको हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीका कार सिंपल है, गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी etest.com.pk वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और वैक्सीनेटर के टैब में जाएं, वहां पर आप वैक्सीनेटर के पेपर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी तैयार कर सकेंगे। इसके साथ साथ व्यूवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है, ये तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते। ई टेस्ट मोबाइल ऐप इंतहाई इजी टू यूज है,
अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे, इसे यूज करेंगे, एक बार यूज करने के बाद बार बार आप खुद भी इसे यूज करेंगे, दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करने का मशवरा देंगे। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप रोजाना इस पर 2 घंटे भी तैयारी कर लें तो बिल्कुल भी आपको थकावट का एहसास नहीं होगा। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5-स्टार रेटिंग जरूर दें। इसके अलावा अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। आप ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, ई टेस्ट लिंक्डइन, टिकटॉक, लाइक स्नैक वीडियोज वगैरह तमाम अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम अकाउंट्स पर हम रोजाना डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग वर्ड। यहाँ पर रिव्यू का आप इन्हें सिमिलर बताना है। रिव्यू का मतलब है जायजा लेना। इसका जो सिमिलर है वो ऑप्शन ए है ऑडिट। ऑडिट का मतलब भी जायजा लेना या पड़ताल करना के हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर भी आपने सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। वर्ड आपके पास है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है खत्म करना। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन ए है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब भी मुअत्तल करना या खत्म करना के हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड डैश डेथ। यहाँ पर खाली जगह में 2 आएगा। मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71, द डेकोरेशन ऑफ द न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टेन्स आर मोर प्लीजिंग। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। फर्नीचर और पर्दे समेत नए ऑफिस ब्लॉक की सजावट सबसे ज्यादा दिलकश है। क्वेश्चन नंबर 72, इट वॉज एसेंशियल दैट वी डैश द लीज बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा। साइन यहाँ पर सही जवाब है। ये जरूरी था कि हम महीने के इख्तिताम से पहले लीज पर दस्तखत कर दें। क्वेश्चन नंबर 73, वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा। डिड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। हमने कल बहुत काम किया। 11 जून और 12 जून के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, आवर फ्रेंड ऑफन कम टू डैश अस। यहाँ पर हम खाली जगह में सीज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। हमारा दोस्त अक्सर हमसे मिलने आता है। क्वेश्चन नंबर 75, रिहाना हैज बीन परसुइंग अ कैरियर इन आर्किटेक्चर डैश शी ग्रेजुएटेड इन मई। यहाँ पर खाली जगह में अंटिल आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। रिहाना मई में ग्रेजुएशन होने तक फने तामीर में अपना कैरियर बना रही है। वीवर जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। 18 जून 2023 को जो वैक्सीनेटर का पेपर हुआ था उसके 75 एमसीक्यूज हमें मिले थे जो रीडेबल थे, वो तमाम के तमाम हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके पास भी कोई भी वैक्सीनेटर का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो ओरिजिनल पेपर हमें जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह उस ओरिजिनल पेपर को भी हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स का फायदा हो सके। याद रखें, ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस किया जाता है। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल पेपर है तो तभी उसे आप भेजिएगा क्योंकि हम सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को डिस्कस करते हैं। बाकी कोई भी सवाल जो लोग अपने पास से या चाहे वो पेपर्स में आए हों वो हमें आप लिख कर भी सेंड करेंगे तब भी हम उन्हें वीडियोस में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर जरूर भेजें। इसके साथ ही व्यूअर्स से हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम रिमेनिंग पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।